नमस्कार, आज हम आए हुए रामघाट रोड स्थित सस्मित नीलोकेश सेंटर, जहां पर कि हमारे बीच शहर के जाने माने न्यूरोसर्जन प्रमुख समाजसेवी डॉक्टर संजीव शर्मा जी आज हमारे बीच मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका एचबीएन से जुड़ने में। सर, हैप्पी दिवाली एंड सेफ दिवाली पर आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? नमस्कार, सबसे पहले तो मेरी तरफ से समस्त देशवासियों को, समस्त उत्तर प्रदेश के निवासियों को और समस्त जनपद अलीगढ़ के निवासियों को दीपावली की और आने वाले धनतेरस की और भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। और देखिए, मैं सभी बच्चों से जो दीपावली को मनाने जा रहे हैं, सभी लोगों से जो दीपावली को मनाने जा रहे हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूं कि भाई दीपावली को इस तरह से मनाएं कि वो उनके लिए भी सुखद रहे, सेफ रहे और दूसरों के लिए भी सुखद और सेफ रहे। बच्चे और जो भी लोग बड़े हैं, अगर पटाखे चलाने चाहते हैं, आतिशबाजी चलाना चाहते हैं, तो ये देखें कि वो सारी की सारी सेफ, जो गवर्नमेंट से अप्रूव्ड हैं, वही उसी तरह के पटाखे और फुलझड़ी या आतिशबाजी का प्रयोग करें। उसके अलावा बच्चे अगर पटाखे वगैरह चलाते हैं तो उनके साथ में बड़ों का होना जरूरी है। कपड़े इस तरह के पहने जो आग पकड़ने की संभावना बहुत कम हो। साथ में पानी की बाल्टी, गीली तौलिया वगैरह का इंतजाम रखें। कोई भी बंदा अगर जल जाता है, खासतौर पे पटाखे हाथ में लेके ना चलाएं। बहुत सारे बच्चे कोशिश करते हैं, शैतानी करते हैं कि पटाखे हाथ में लेके चलाएंगे, मुँह के पास ला के चलाएंगे या दूसरों के ऊपर फेंक देंगे, रॉकेट्स को टेढ़ा मेढ़ा करके चलाएंगे ताकि दूसरी तरफ चले जाएँ। ऐसा सब ना करें। और अगर किसी तरह की कोई दुर्घटना हो जाती है, कोई बच्चा अगर जल जाता है या कोई बड़ा जल जाता है, तो उसके लिए बेस्ट यही है कि आंखों में धुआं वगैरह चला गया है तो पानी से धोएं उसको। कोई हिस्सा शरीर का जल गया है तो तुरंत वहां पे अच्छी तरह पानी से सिकाई करें और तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। जो त्यौहार है वो खुशी के लिए है, ऐसा ना हो किसी को अंग भंग हो जाए, आँख में नुकसान हो जाए, कुछ हो जाए, ये सब ना होने दें। ठीक है, अगेन मेरी तरफ से सभी अलीगढ़ के निवासियों को नमस्कार और शुभकामनाएं।